आर्य समाज नूरपुर द्वारा गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई की शिक्षा दी जाती है। आज सिलाई सीख रही 37 लड़कियों को प्रमाण पत्र व सिलाई का सामान दिया गया। सिलाई 6 माह तक सिखाई जाती है। आज 6वां ग्रुप को प्रमाण पत्र व सिलाई का सामान दिया गया। अलका महाजन व बीना महाजन द्वारा सिलाई की शिक्षा दी जाती है। इस अवसर पर बीना महाजन ने उपस्थित अधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे 6 सत्र सुचारू रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिसकी हमें बेहद खुशी है। अब 7वां सत्र भी शुरू हो चुका है। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस संस्था को चलाने में बहुत से लोगों का सहयोग रहता है, अतः इसे निःशुल्क समझकर अनदेखी ना करें तथा समय का भरपूर लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि दर्जनों लड़कियां यहां से सिलाई सीख कर जाती हैं, जो हमारे द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सभी आदरणीय अधिकारीगण, मुख्य अतिथि नीतू जी, स्वामी वेद प्रकाश जी और यहाँ आए हुए सभी हमारे बहन भाई और बच्चे, सबका यहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद। कुछ शब्दों में बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ यह हमें ये सोचकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ 6 सत्र पूरे हो चुके हैं। अच्छा लगता है ये सोचकर कि अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है यहाँ का प्रोग्राम ना, और 7वां भी शुरू हो चुका है। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं छात्राओं से अनुरोध करूँगी कि वे जिस लिए यहाँ आती हैं उस समय का भरपूर लाभ उठाए। समय तो रेत की भांति है जो मुट्ठी से फिसलता ही रहता है। आते हो तो कुछ सीख के जाओ, जीवन में उसे उपयोग में लाओ। छात्राओं को ज्ञात होना चाहिए कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए कितने भाई बंधुओं, रिश्तेदारों और कितने लोगों का सहयोग मिलता है। उनका सहयोग व्यर्थ ना जाए, इसके लिए उनसे अनुरोध करती हूँ कि उनको इस व्यवस्था को आराम से अच्छे से सीखें, निःशुल्क समझकर चीज़ों की अनदेखी भी ना करें। और छात्राएं यहाँ से सिलाई सीख कर जाती हैं, वह तो सब बेसिक ही होता है, बाकी सब तो अभ्यास से ही आता है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलता है। सीखी हुई चीज़ों को व्यर्थ ना जाने दें। यहाँ से जाने के बाद आप किसी ना किसी टेलर के साथ, किसी ना किसी बुटीक वालों के साथ जुड़ें, जिससे कि आपको अभ्यास हो सके, आप कुछ करें, अपने आप भी करो तो ठीक है, उसके बाद आप किसी से जुड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा आप कर पाओगे, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ आता है। और अपने लिए जब सीखोगे तो अपने लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा, है ना। चलो ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लिए जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।